नंबर देखते हैं, दिया हुआ है 3 cos 55 degree बाई में 7 sin 35 degree माइनस का 4 cos 70 degree cosec 20 degree और y में नीचे देखिए 7 tan 5 degree tan 25 degree tan 45 degree tan 65 degree tan 85 degree। चलिए ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऊपर से कर देते हैं cos 90 माइनस का 35 y में है 7 sin 35 माइनस 4, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, इसी को चेंज कर देते हैं cos 90 माइनस का 20 घटेगा तो आपका 70 आ जाएगा, इनटू में है आपका cosec 20। नीचे देखिए 7 tan 5 और यहाँ 85, इसको एक साथ लेते हैं tan 5 और इनटू में tan 90 माइनस का 5, ठीक है। फिर उसके बाद 25 और 65 को tan 90 माइनस का 25, ये 65 वाले के लिए हो जाएगा, tan 45 1 होता है ये वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद 3 cos 90 माइनस थीटा, ये साइन हो जाएगा sin 35 और नीचे है 7 sin 35 degree माइनस का 4 ऊपर है, ये cos 90 माइनस थीटा, ये साइन हो जाएगा sin 20 और यहाँ पर है आपका cosec 20 बाई में 7 tan 5 degree, यहाँ पे ये हो जाएगा cot 5 degree tan 25 degree और यहाँ पर हो जाएगा cot 25 degree। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, ये कैंसिल 3/7 माइनस का 4 tan sin into cosec 1 tan into cot 1 tan into cot 1 यही ना हो जाएगा जी, तो 3/7 और माइनस का 4/7 यानी आ जाएगा यहाँ पे -1/7 इसका वैल्यू। नेक्स्ट देखते